गब्बर एक वक्त था जब कहा जा रहा था कि शिखर जो है वो वापसी नहीं कर सकते क्यों क्योंकि उनके घुटने में चोट है साल 2019 की बात मैं आपको बताऊं वर्ल्ड कप चल रहा था उनके अंगूठे में चोट लगा और जिस मैच से वो निकले उसमें भी शतकीय पारी थी गब्बर की गब्बर निकले गब्बर फिटनेस टेस्ट के लिए भी गए एनसीए भी गए बीच में ऑपरेशन हुए टीचर्स लगे उनके घुटने में अट्ठाईस कुछ टाके लगे हैं शिखर धवन के घुटने में लेकिन वापसी करते बीच में दिल्ली की तरफ से रणजी मैच भी खेले हैदराबाद के खिलाफ उसमें भी शतकीय पारी और उसके बाद सीधा ये वापसी करते हैं आपको श्रीलंका की सीरीज में श्रीलंका की सीरीज में टी ट्वेंटी में भी थे धवन और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम यानी कि आपको कंगारू टीम के खिलाफ भी शिखर को टीम में रखा गया क्योंकि विराट कोहली का कहना है कि शिखर जो है वो लय में है तो मैं क्यों उसको छेड़ू वो जिस तरीके से खेल रहा है उसको खेलने दिया जाए शिखर को और राहुल को लेकर रोहित के साथ सलामी बल्लेबाजी के लिए भी बहुत ज्यादा आलोचनाएं हुई लेकिन टीम में विराट ने दोनों को खिलाया शिखर अपना भरपूर फायदा कर रहे हैं शिखर टीम को फायदा दे रहे हैं पहले मैच में हम भले हार गए ऑस्ट्रेलिया से जो कि 14 जनवरी को था ओडीआई स्कोर बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे जो कि उस मैच में अकेले चौहत्तर सत्रह जनवरी को उसमें शिखर शतक से चार रन यानी कि महज चार रन वो शतक से दूर रह गए छियानवे रन पर आउट हो गए कैच आउट हुए लेकिन शिखर के शकल पर शिकन नहीं था वो देश के लिए खेल रहे थे खुशी खुशी पवेलियन लौटे लेकिन अब शिखर से उम्मीद है उनकी एक शतक शतकीय पारी की दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बेहतरीन आंकड़ा रहा है एक सौ स्कोर है पांच बार शतक पांच बार अर्धशतक उनके नाम ऑलरेडी मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और सौ के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से शिखर धवन अपनी लय में है दोनों मैचेस 74 पहला ओडिया दूसरा ओडिया 96 क्या तीसरे ओडिया में शिखर धवन लगाएंगे शतक क्या खेलेंगे शतक यह पारी ये देखने वाली बात होगी अगर आप चाहते हैं कि शिखर धवन यानी कि हमारे गब्बर शतकीय पारी खेले तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और शिखर जरूर खेलेंगे आखिरी वनडे मुकाबले में बेहतरीन पारी ये दिल कहता है हम सभी का फिलहाल दीजिए इजाजत देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स